नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। देश भर में इन दिनों चुनावी तपिस परवान पर है। बात चाहे राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी उपचुनाव की जो सियासी बयार है वो परवान पर है। वहीं देश भर में पांच राज्यों को लेकर जिस प्रकार से जो सियासी वार पलटवार का दौर चल रहा है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस दरमियान सबकी निगाहें कांग्रेस पार्टी पर है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो इन चुनावों में कैसे रहने वाला है, क्योंकि इन चुनावों का प्रदर्शन ही कांग्रेस पार्टी का सियासी भविष्य तय करेगा। क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी जो विघटन का सामना कर रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर जो राष्ट्रीय फलक पर सवाल खड़े हो रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा ऐसे वक्त पे पांच राज्यों के चुनाव जाहिर तौर पर कितने अहम हो जाते हैं पार्टी के लिए वो किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल अब देखना ये है कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहता कैसे है। क्योंकि यदि बात बंगाल की जाए तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं का कोई विशेष फोकस नहीं रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने वहां से दूरी बना रखी, क्योंकि राहुल गांधी का सबसे ज्यादा जो फोकस है वो केरल और तमिलनाडु पर है। वहीं प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी का पूरा फोकस असम पर है। इसी का कारण है कि प्रियंका गांधी ने असम के सियासी रण में अपने विश्वस्त नेताओं की फौज उतार रखी है। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान के नेताओं की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, कि किस प्रकार से असम और केरल में दोनों नेताओं के दौरे करवाए गए। लेकिन इन दौरों में भी सबसे ज्यादा दौरे सचिन पायलट के करवाए गए। सचिन पायलट ने केरल में भी दौरा किया, सचिन पायलट ने असम में भी दौरा किया। माना जा रहा है कि पायलट को चुनावी रण में उतार कर कांग्रेस पार्टी जो यूथ वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी विशेष तौर पर, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी चाहती थी कि सचिन पायलट आए और पार्टी का यहां पर प्रचार करें। सचिन पायलट गए भी, केरल गए, असम गए, जहां पर उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया, रोड शो भी किए, और आगामी दिनों में भी कोई ऐसा तय कार्यक्रम नहीं है। लेकिन खबर आ रही है कि एक बार फिर से सचिन पायलट के केरल और असम में दौरे करवाए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच राजस्थान में भी उपचुनाव है और राजस्थान का उपचुनाव अपने आप में बेहद अहम है। वो इसलिए क्योंकि सूबे में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और अगर तीन सीटों में से यदि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब होता है तो सीधा सीधा ये मैसेज जाएगा कि जो सरकार है, सरकार के कार्यों से जो सूबे की जनता है वो खुश नहीं है। और यदि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो सीधे सीधे ये मैसेज जाएगा कि सरकार के कार्यों से सूबे की जनता प्रसन्न है, खुश है। लेकिन अब बात विपक्ष की करें, यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि उसके समक्ष भी यहाँ पर एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। दरअसल बीजेपी इन तीनों सीटों के मार्फत सत्ता का दरवाजा खटखटाना चाहती है, और जाहिर तौर पर यदि बीजेपी के पक्ष में परिणाम रहते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभरेगी और सूबे की गहलोत सरकार का अंकगणित बिगाड़ सकती है। लेकिन इस उपचुनाव में और भी कई मायने हैं। कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव के जो परिणाम होंगे वो सूबे की सियासी दिशा और दशा तय कर देंगे। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे किस प्रकार से साइडलाइन है वो किसी से छिपा नहीं है, और यदि बीजेपी के पक्ष में ये परिणाम नहीं होते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सीधा सीधा ये मैसेज चला जाएगा कि राजे साइडलाइन थी तो ये परिणाम आए हैं। लिहाजा राजे के पास मुखर होने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा। अब आइए कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में की यदि बात करें, और यदि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम नहीं आते हैं, अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं, तो मुख्यमंत्री गहलोत की सीधे सीधे मुश्किलें बढ़ेंगी, और सचिन पायलट के समक्ष एक बड़ा मौका मिल जाएगा
उभर कर सामने आने के लिए। और जाहिर तौर पर दिल्ली दरबार तक जो मुख्यमंत्री गहलोत को एक बड़ा झटका लग सकता है यदि उपचुनाव के परिणाम अनुकूल ना हुए, और वहीं यदि सरकार के पक्ष में परिणाम आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली से लेके राजस्थान तक मजबूत स्थिति में हो जाएंगे। बहरहाल लोगों को इंतजार है उस वक्त का जब परिणाम आएंगे, क्योंकि यह परिणाम देश और प्रदेश दोनों के लिए ही बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इससे जो सियासी दिशा और दशा है वो दोनों तय होंगी। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।